हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 मैचेज हो चुके हैं और 3 मैचों में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे पिच देखने को मिला। हम लोग बात करते हैं कि ये 3 मैचों के बाद जो है पिच क्या कन्वर्ट हो सकता है या सेम जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अगर तीनों मैच अभी आप देखोगे तो देखो, पहले मैच में 2 रन बना, दूसरे में देखोगे तो 150 तक बना, तीसरे में देखोगे तो आपको जो है 190 के आसपास बना। तो ऐसा सीन आप देखोगे ना, 2 में जो है वो क्या हुआ, हाई स्कोरिंग मैचेज हुआ, 1 में जो है वो लो स्कोरिंग मैचेज देखने को मिला था। क्या ये सीनरियो कंटिन्यू रहेगा कि एक हाई होगा एक लो होगा, एक हाई होगा एक लो होगा, ये सीनरियो कैसा रहेगा, इसको हम लोग डिटेल्स में जो है सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की कैपेसिटी जो है वो 38,000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा खासा कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन जो है वो हैदराबाद इंडिया में देखने को मिलेगा और टाइम जोन जो है आपको पता ही है इंडिया में है तो सारे इंडिया में जो है एक ही टाइम जोन है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं होम ग्राउंड, तो ये हैदराबाद का होम ग्राउंड है और साथ में सनराइज हैदराबाद का भी आपको होम ग्राउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर इस सिनेरियो में, तो सबसे पहले अभी तक जो आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो आप जो है वो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हो, जहाँ पे जो है आपको विनर सेशन इंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे जो है आपको पिछले 3-4 दिनों से जाकर देखोगे तो विनर सेशन इंट्री सब कुछ जो है वो आ रहा है ओपन में। और आप यहाँ पर जो है ड्रीम इलेवन के लिए जो स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको टीम के साथ साथ न्यूज़ भी जो है वो अपडेट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस पिच के बारे में। तो पिच देखो, ट्रेडिशनली देखोगे तो एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिच के रूप में जो है देखा जाता है, लेकिन वैसा जो है बिहेवियर अभी दिखाया नहीं है इस पिच ने। एक मैच में हालांकि जरूर दिखाया था। लेंथ देखोगे, बाउंड्री लेंथ यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि बाउंड्री लेंथ जो है 66 मीटर से लेके 71-72 मीटर के आसपास जो है तब तक दिखाई देगा। पिच की बात करते हैं तो काफ़ी अभी जो है वो फ्लैट सर्फेस मिल रहा है इस पिच पर और बाउंड्री जरिए हालांकि बिग जरूर है और ये ट्रेडिशनली स्लो होता जाता है, लेकिन जो शुरुआत के पहले मैच में हमने देखा और जो है तो तीसरे मैच में देखा कि पिच यहाँ पे स्लो हो नहीं रहा है। पिच जो है यहाँ पे एक ही कंडीशन जो है बना रह रहा है और जैसे ही ड्यू आ रहा है तो ड्यू पे भी जो और ज़्यादा मदद मिल रहा है। हालांकि रन चेस नहीं हुए, लेकिन देखोगे तो ड्यू का जो है कंडीशन यहाँ पे जरूर बन रहा है। तो अब समझ में आता है कि क्या ये पिच ऐसा ही रहेगा। तो देखो, यहाँ पे 3 मैचेज हो रखा है, अगर इन 3 मैचों में से थोड़ा सा इधर उधर बदलाव आपको देखने को मिलेगा तो आपको एक चांसेस हो सकता है कि यहाँ पे अभी जो है वो थोड़ा सा जो है आपको देखने को मिल सकता है कि जो सीनरियो है वो चेंज होता हुआ नजर आए, थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अभी पूरा जो है नहीं आएगा, एटलीस्ट अगर यूज भी किया जो है मिलता है वैसे सीनरी में जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट जो 3 मैचेज देखा हमने, उनमें से 2 जो है वो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेज था, 1 जो है नॉर्मल कंडीशन था। तो देखो, ऐसा हो सकता है पिच पे कि आपको जो है एक ही कंडीशन जो है देखने को मिले, यानी कि एक हाई स्कोरिंग हो एक लो स्कोरिंग हो, वैसा कंडीशन बन सकता है। ये तो जो है नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ऐसे सीनरी में जो है आपको एक चीज़ का हमसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले दोनों मैचेज आप तीनों उठाकर देख लो। तीनों में भी हमने ये देखा कि भले ही लो स्कोरिंग मैचेज हो, लेकिन स्पिनर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला था। जो फास्ट बॉलर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो मिला है, जिसको हम तीनों मैचों को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन के लिए अभी काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छा जो है रन बन रहा है। लेकिन अगर यही हम लोग बात करते हैं कि बॉलर्स के लिए, तो बॉलर्स को फास्ट जो है उनको थोड़ा विकेट मिल रहा है, जो स्पिन बॉलर है उनको अभी थोड़ा सा विकेट नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि जो अभी रिसेंट का मैचेज हुआ है तो हुआ था मुंबई और हैदराबाद के बीच में, जहाँ पे मुंबई जो है 152 बनाया और 178 जो है हैदराबाद बनाया। यहाँ पे देखोगे तो विकेट जो है फास्ट बॉलर ने जो 10 विकेट लिया और स्पिनर को जो है सिर्फ 2 विकेट मिला। इसके अलावा बाकी जो था वो रन आउट आपको देखने को मिला 2-3। इसके अलावा बात करते हैं तो मुंबई तब देखो तो अर्जुन तेंदुलकर को 1 मिला, कैमरन ग्रीन को 1 मिला, रिले मेडिस को 2 मिला, जैसन बेरेट को 2 मिला, पीयूष चावला को जो है 2 मिला। और पीयूष चावला का इकोनॉमी रेट जो है काफ़ी यहाँ पे हाई था। तो देखोगे स्पिनर को 2 विकेट हालांकि मिला जरूर, लेकिन मार ज़्यादा पड़ा, लेकिन मुंबई के सारे फास्ट बॉलर को देखोगे विकेट मिला। यही सनराइज हैदराबाद की बात करते हैं, भुवनेश्वर को 1 मिला, मार्को यंसन को 2 मिला और नटराजन को 1 मिला, और इनके जो स्पिनर थे उनको कोई भी जो है विकेट एक भी नहीं मिला था इस मैच में। बैट्समैन की यही अगर हम लोग बात करें तो बैट्समैन में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बैट्समैन में कैमरन ग्रीन का जरन जो है आप देखोगे तो 64 रन बनाया था, ईशान किशन ने 38 बनाया था, रोहित शर्मा ने 28 बनाया था, तिलक वर्मा जो है 37 बनाया था। और सनराइज हैदराबाद से देखेंगे तो आपको मयंक अग्रवाल का 48 दिखाई देता है, हैनी खलासिन का 36 और एडन विक्रम का जो है आपको यहाँ पे 22 रन जो है देखने को मिलेगा। तो इस जो है इधर रहा था लास्ट मैच में, जहाँ पे आप देखोगे कि फास्ट बॉलर जो है ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था और बैटिंग में जो कि ऐसे बैट्समैन चले जिनका जो है कोई भी उम्मीद नहीं था इस ग्राउंड पे चलने का, वो सारे बैट्समैन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिले। यही अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पहले के एक मैच देखोगे तो जहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेज हुआ था 150 के आसपास, 143 रन जो है बना था पंजाब ने यहाँ पर 9 विकेट गवा के, और वहाँ पे जो है 145 रन बना के जो है चेस को लिया हैदराबाद। तो उसमें देखोगे तो जो है फास्ट बॉलर ने जो है वो आपको 6 विकेट लिया गिरा था और स्पिनर देखोगे तो आपको 5 विकेट मिला था, जिसमें से आप देखोगे मयंक मार्कंडेय को जो है 4 विकेट मिल गया था, यानी कि जो स्पिनर डिपार्टमेंट में जो 5 विकेट मिला था उसमें से मयंक मार्कंडेय को ही जो है वो 4 मिला था, बाकी 1 जो है चहर को मिला था। इसके अलावा किसी भी स्पिनर को जो है 2 विकेट नहीं मिला था। और उसमें फास्ट बॉलर को देखोगे तो जैनसन को जो है 2 मिला था, उमरान मलिक को 1 मिला था, भुवनेश्वर को 1 मिला था और अर्शदीप को जो है 1 मिला था। तो ये सीनरी आपको देखने को मिल जाएगा।
बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में एक तरफा जो है मुकाबला था शिखर धवन ने यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पंजाब की तरफ से, दूसरा सैम गर्ल का छोटा सा एक कैमियो था, और यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से राहुल त्रिपाठी का था, इसके अलावा जो है आपको एदन मैक्रम का था, और आप जो है मयंक अग्रवाल को यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इससे पहले के मैचेस बात करें जहाँ पे राजस्थान ने 200 रन बनाए थे, तो उस 200 रन में देखोगे तो वहाँ पे हैदराबाद जो है वो ग्रास्प कर गया था, 131 रन ही बना पाया था, जहाँ पे फास्ट बॉलर ने 8 विकेट लिया था और स्पिनर जो है 3 विकेट लिया था, और उसमें देखो तो हैदराबाद की तरफ से नटराजन का 2 था, फारूकी का 2 था और मलिक का जो है 1 था। यही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे तो चहल का जो है 4 विकेट हुआ था वहाँ पे, तो स्पिनर में देखोगे जो 5 विकेट गिरा था उसमें से चहल का जो है 1 था, उसके अलावा 1 अश्विन का था और बाकी जो है आपको 2 बोल्ट के थे और 1 जो है होल्डर के थे। तो स्पिनर अगर यहाँ पे कोई इंपैक्टफुल होता भी है तो कोई एक स्पिनर जो है वो हमने देखा कि इस ग्राउंड पर कोई एक स्पिनर जो है वो ज़्यादा इंपैक्टफुल हो रहा है, बाकी जो स्पिनर उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है, इक्का दुक्का जो है हो जा रहा है, और जिस दिन हो जा रहा है वो आपको हो सकता है कि GLB जो है वो जिता दे, इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी सीनरी में जो है आपको टीमें भी जो अपनी सेलेक्ट करनी है। और बैटिंग लिहाज से देखोगे तो वहाँ पे संजू का जो है 55 था, एजस्वी का 54 था, बटलर का 54 था और हेडमेयर का जो है 22 था, और यही हैदराबाद तरफ से समात का जो है 32 था और मयंक अग्रवाल का 27 था। तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हमने देखा कि देखो बैटिंग में जो है एक अच्छा पैराडाइज है, जहाँ के फर्स्ट बैट्समैन को फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा बैटिंग हो रहा है, सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रहा है यहाँ पे, और साथ में जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको इक्का दुक्का मदद मिल रहा है, लेकिन जिसको मदद मिल रहा है एक अच्छा सीनरी पे मदद मिल रहा है, और जो फास्ट बॉलर है उनको काफ़ी अच्छा मदद मिल रहा है। तो अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते कि विनर सेशन इंटरव्यू में बहुत ही प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉन्फिडेंस सर्च करके, और टीम इलेवन के लिए आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है, टीम के साथ साथ न्यूज अपडेट सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। तो होप से वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लगा हुआ है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर लेना, और साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।